नमस्कार, स्वागत है आपको और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूँ आपके साथ सोनाली तोमर। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। आपको बता दें कि उदयपुर में एक कोरियोग्राफर राजेश शर्मा को स्विमिंग पूल में गरबा कराना महंगा पड़ सकता है। कुछ अलग करने की चाह में क्रिएशन ग्रुप के राजेश शर्मा ने CPS स्कूल के स्विमिंग पूल में युवक युवतियों को गरबा कराकर हिंदू संस्कृति और धार्मिक भावनाओं का मजाक बना दिया है। कई धार्मिक संगठन इसके विरोध में सामने आए हैं, तो वहीं जानकारी के मुताबिक राजेश शर्मा पर मुकदमे भी दर्ज हो सकते हैं। लोगों ने कोरियोग्राफर राजेश शर्मा की गरबा के इस सोच को सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का स्टंट बताया है। लोगों का कहना है कि ये कोई नृत्य या टीआरपी बटोरने का साधन नहीं है। गरबा महोत्सव समिति मोहनलाल सुखारिया विश्वविद्यालय की छात्र संघ कार्यकारिणी काली कल्याण धाम और जनता सेना के साथ शिक्षक वर्ग ने भी CPS स्कूल और कोरियोग्राफर राजेश शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज कराने की चेतावनी भी दी है। गरबा महोत्सव समिति के संयोजक कुंदन चौहान ने बताया कि इस घटना घंटाघर पर पिछले 33 साल से गरबा डांस का आयोजन हो रहा है, लेकिन आज तक ना तो कभी फिल्मी गाने बजाए गए हैं और ना ही कभी फुहड़ता परोसी गई है। लेकिन CPS स्कूल और कोरियोग्राफर राजेश शर्मा ने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए हिंदू संस्कृति और धार्मिक भावना के साथ खिलवाड़ किया है। आपको बता दें कि लोगों का कहना है कि टीआरपी के खेल के लिए राजेश शर्मा ने पूजनीय माता का अपमान भी किया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ कोरियोग्राफर राजेश शर्मा ने यहाँ ये कोरियोग्राफ किया और स्विमिंग पूल में यहाँ अलग ही अंदाज दिखाने की चाहत रखी। हमें सुनने में आया है कल एक क्रिएशन ग्रुप करके उन्होंने गरबा तो नहीं कहेंगे, उन्होंने सच्ची लोकप्रियता को हासिल करने के लिए उन्होंने जो ये धार्मिक हमारी जो संस्कृति को आहत पहुँचाई है, जैसे कि स्विमिंग पूल में जो जिस प्रतिष्ठान पर वो है उन्होंने उसकी उस प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुँचा के जो गरबा करवाया, गरबा नहीं कह के जो उन्होंने सच्ची लोकप्रियता को हासिल करते हुए उन्होंने जिस पानी के अंदर बच्चों को सुनने में आया स्कूल के बच्चे हैं उनसे गरबा खिलाते हुए जिस तरह से किया वो गलत है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। CPS स्कूल जो एक बड़ा स्कूल है उदयपुर लेवल में, वहाँ पर इस तरह का गरबे हुए हैं कि जहाँ स्विमिंग पूल पे गरबे है, ये हमने हमारे जीवन में किसी प्रकार इस तरह से नहीं देखा कि इस तरह के गरबों का जो आयोजन होता था वो एक पांडाल में होता है, धर्म संस्कृति मंदिर में होते थे, और स्विमिंग पूल में इस तरह जिस तरह से कल जो आयोजन हुआ, आयोजनकर्ता द्वारा इस तरह का राजेश शर्मा द्वारा ये जो आयोजन के नाम पर एक हिंदू संस्कृति के खिलाफ एक फोर डांस किया गया, इसके हम गौर प्रार्थना करते हैं। और ये जो गरबे का जो भी उल्लंघन हो रहा है इसको बंद किया जाए, और इसको अगर बंद नहीं किया जाएगा तो इसके खिलाफ़ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे जो देवी देवता हैं उनके खिलाफ आप हंसी मजाक कर रहे हैं, ये आप गलत चीज़ कर रहे हैं, इसको आप बंद करिए। गरबे के नाम पर जो ये रास रसवा रहे हैं ये बहुत गलत लगा हमें, क्योंकि जो स्विमिंग पूल में डांस करवाना ये DJ पार्टी होती है जिसको गरबा नाम दिया इन्होंने, ये बहुत गलत नाम दिया है और हम इनका पूरा विरोध करेंगे, क्योंकि ये बच्चों को जो 9 दिन का त्यौहार है उसको त्यौहार के रूप में नहीं मनाकर इनको DJ नाइट पार्टी के रूप में मनवा रहे हैं। यही चाहता हूँ कि जैसे आयोजित ये जैसे स्विमिंग पूल में इन्होंने आयोजित कराया गरबा, ये नवरात्रि कोई आयोजन या खेल का महोत्सव नहीं है, ये नवरात्रि साधना है, माता जी की साधना है। ऐसे आयोजन करके हमारे भारतीय संस्कृति को ये खराब करने का पूरा प्रयास किया जा रहा। मैं छात्र संघ अध्यक्ष के नाते आप सबको चेतावनी देता हूँ और पूरे देश और पूरे मेवाड़ वासियों को ये आह्वान करता हूँ कि हमारी संस्कृति को बचाना, भारतीय संस्कृति और हमारी ये जो माता जी की साधना है इसको बचाना है। जो अभी CPS विद्यालय में जो डांस प्रोग्राम हुआ गरबा के नाम से, जो कि बहुत ही अनैतिक कार्य है, क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर देवताओं की स्थापना की जाती है गरबा के अंदर, और गरबा में जब इन्होंने गरबा का नाम दिया और देवी की स्थापना नहीं की, नंबर 1 नंबर 2 पानी के अंदर बच्चों को डांस कराया, ऐसा आज तक विश्व के इतिहास में कहीं भी नहीं हुआ। शारदीय नवरात्र शुरू होने से पहले उदयपुर में एक कोरियोग्राफर द्वारा TRP बटोरने के लिए और सस्ती लोकप्रियता के लिए किया गया यह स्टंट अब विवादों के घेरे में है। स्विमिंग पूल में लड़के लड़कियों को उतार कर जिस तरह से गरबा रास कराया गया है उसका विरोध सामाजिक और धार्मिक संगठन लगातार करते जा रहे हैं।
माना जाता है कि जिस तरह से शारदीय नवरात्र शुरू होते हैं इसे पवित्र दिन माना गया है और हिंदुओं के धर्म और आस्था से जुड़ा एक यह पवित्र जो 9 दिन है उसमें माँ दुर्गा की आराधना होती है। घट स्थापना के साथ इस शारदीय नवरात्र की शुरुआत होती है जो कि 9 दिन तक अनवरत चलती है और ये कोई किसी तरह का मजाक या मखोल उड़ाने की चीज नहीं। इसमें जिस तरह से स्विमिंग पूल में लड़कियों लड़कियों को उतार कर गरबा रास कराया गया है, जहां माता जी की स्थापना नहीं की गई और इस आराधना को एक नृत्य के रूप में लिया गया, इसका विवाद अब चारों तरफ देखने को मिल रहा है। सामाजिक और धार्मिक संगठन कोरियोग्राफर राजेश शर्मा के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराने को आतुर हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि शारदीय नवरात्र से पहले किया गया यह स्टंट, टीआरपी बटोरने के लिए किया गया है यह स्टंट, किस हद तक और कहां तक जाता है, प्रशासन इस पर क्या कुछ कार्रवाई कर पाता है। उदयपुर से इंडिया न्यूज के लिए अभिषेक जोशी। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर अभिषेक जोशी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, तो अभिषेक से जान लेते हैं। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं कि यहाँ गरबा यानी कि जो गरबा होता है नवरात्रि के समय में ये गरबा किया जाता है, लेकिन ये कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है और कोरियोग्राफर जो कि कहा गया है कि स्विमिंग पूल में दिखाया गया, ये दर्शाया गया और स्विमिंग पूल में लोग यहाँ पर गरबा करते हुए नजर आ रहे हैं, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, बता दूं कि क्रिएशन ग्रुप उदयपुर में काफी लंबे समय से चलता है और सीपीएस स्कूल एक निजी स्कूल है, वहां पर के ये डांस टीचर भी हैं और सुना जा रहा है, सुनने में आया है कि जो स्कूल के बच्चे हैं उन्हीं को लेकर स्विमिंग पूल में इस बार ये गरबे कराए गए हैं। और बड़ी बात यह है कि जब अपनी भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म संस्कृति के अनुसार श्राद्ध पक्ष खत्म होता है उसके बाद शारदीय नवरात्र की घट स्थापना और विधि विधान से मां की आराधना की जाती है, लेकिन श्राद्ध पक्ष में ही इन्होंने गरबा नृत्य करके और लड़के लड़कियों को स्विमिंग पूल में उतार कर एक ये जो कृत्य किया है उससे लोगों के अंदर काफी आक्रोश है। हिंदू संगठन, धार्मिक संगठन, सामाजिक संगठन जितने भी हैं वो इनके खिलाफ लामबद्ध हो गए। सभी का कहना है कि आराधना के ये जो 9 दिन होते हैं जहां पे मां अन्नपूर्णा की आराधना की जाती है ये एक अनुष्ठान के रूप में किया जाता है, ये किसी तरह का कोई इंस्टेंट या कोई इवेंट नहीं है जो आप अपनी टीआरपी बटोरने के लिए मीडिया के चंद पर्सन को बुलाकर आप उनके सामने एक अपनी टीआरपी बटोरने के लिए एक इवेंट कर लें, इसमें अपने हिंदू देवी देवताओं के साथ ही हर बार इनको क्यों टारगेट किया जाता है, इसको लेकर लोगों के अंदर काफी आक्रोश है। कई संगठनों ने इस पर मुकदमे दर्ज कराने की भी बात कही है और अगर पुलिस प्रशासन इस पर कार्रवाई में पीछे हटता है तो उग्र आंदोलन की भी चेतावनी अलग अलग संगठनों ने इस पर दी है। जी अभिषेक, जिस तरीके से तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यहाँ जो है नृत्य हो रहा है, गरबा खेलते हुए नजर आ रहे हैं और जो अब तक हम गरबा देखते आए हैं वो एक बड़े से मैदान में होता है जिसमें तमाम लोग हिस्सा भी लेते हैं और एक अनेक अच्छी तरीके से प्रस्तुति दी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं अब लोगों का ये मानना है कि यहाँ पर अपमान किया गया है, माता का अपमान किया गया है। अभिषेक जी बिल्कुल, बता दूं कि उदयपुर में जो ये एक इंस्टेंट हुआ है इसको लेकर पूरे देश में इसी बात की चर्चा है कि ये जो एक अपमान है वो माता जी का अपमान किया गया है और शारदीय नवरात्र शुरू होने से पहले सिर्फ अपनी टीआरपी बटोरने के लिए एक ये जो इंस्टेंट किया गया है उससे माँ शारदा का अपमान हुआ है। ये एक आराधना है, यह एक अनुष्ठान के रूप में इस 9 दिन को मनाया जाता है, लोग उपवास रखते हैं और अपने धर्म से और आस्था से जुड़ा यह मामला है, उसमें लड़के लड़कियों को और बड़ी बात यह कि जो स्कूल बच्चे सुनने में आ रहे हैं इन बच्चों को हमें आध्यात्म की तरफ ले जाने के लिए क्रिएटिव काम करने चाहिए, उस पर उनको क्रिएशंस दिखानी चाहिए, वो तो छोड़कर और हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर वेस्टर्न की ओर हम लोग लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वो तब तक भी एक्सेप्टेबल था जब तक उसमें फुहड़ता नहीं थी, लेकिन अब जो ये स्विमिंग पूल के अंदर बिना माता जी की प्रतिमा की स्थापना किए, बिना उनका आह्वान किए, मातृशक्ति का बिना आह्वान किए जो ये गरबा नृत्य सिर्फ एक प्रस्तुति के रूप में या यूं कहें कि लोकप्रियता बटोरने के लिए जो ये कृत्य किया गया है इसकी चौतरफा भर्त्सना हो रही है, जो संगठन है सामाजिक संगठन धार्मिक संगठन इसके प्रति जो है वो लामबद्ध हो चुके हैं। अभिषेक, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि यहाँ पर वेस्टर्न को दर्शाया गया है कहीं ना कहीं, क्योंकि अब जब तमाम लोग वेस्टर्न को अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि सांस्कृतिक एक अहम चीज है जो कि हमें संस्कृति से जोड़े रखता है और संस्कृति एक ऐसी चीज है जिससे कि हमें एकता
एकता कह सकते हैं कि सभी लोग एकजुट होते हैं और इस गरबे के दौरान तमाम जो लोग हैं एक साथ मनोरंजन भी होता है, साथ ही साथ माता के प्रति यहाँ पर जो कह सकते हैं कि भजन भेंट भी होते हैं और गरबा के दौरान। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि इस स्विमिंग पूल के दौरान यहाँ पर कुछ डीजे टाइप के गाने भी सुने गए, फिल्मी तरह के गाने चले गए, जो कि एक संस्कृति के बिल्कुल ही अलग है। बता दूं उदयपुर में जो जिला प्रशासन है उनके साथ गरबा महोत्सव समिति जो बनी हुई है उसकी एक बैठक भी हुई थी और इस बैठक में ये तय किया गया कि इस बार उदयपुर में जहां जहां पर भी गरबे होंगे, जहां जहां भी पंडाल बनेंगे, वहां पर डीजे नहीं बजेगा या फिल्मी गानों पर गरबे पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही जो बाहर के लोग हैं, जो आउटर्स हैं, उन्हें उसमें प्रवेश देने से भी मना किया गया है। जिस इलाके में गरबे हो रहे हैं वहीं के स्थानीय लोग ही उस गरबे में एंट्री कर पाएंगे। ये तमाम डिस्कशन भी जो है प्रशासनिक अधिकारियों के साथ गरबा महोत्सव समिति का हुआ है। ऐसे में जब हम वेस्टर्न की बात करते हैं तो पहले जहाँ पारंपरिक जी 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 अभिषेक जी जी बिल्कुल अभिषेक, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।